Hello everyone, this is Tanasri Chaugle and you're watching Ganga Education. Welcome back to my channel. In today's lecture, we are going to discuss provisions regarding to the auction sale from the Sale of Goods Act 1930. This lecture will be in English and Hindi, both languages. Before moving further, don't forget to subscribe my channel, hit on a bell icon, like my videos and share it with your friends. Auction sale is very important topic from the perspective of LLB examination as well as from the examination of the judiciaries or other competitive examination, chartered account examination, banking examination, etc. It is very important topic of Sale of Goods Act 1930. So let's get started. An auction is a form of public sale. In an auction, the property is publicly put up for sale. An auction has a seller and varying numbers of prospective buyers. Thus, an auction can be defined as the public sale of property to the highest bidder. So, if we define an auction, then it is a public sale of property to the highest bidder. Auction sale एक ऐसी चीज है जिसमें गुड्स लॉट में डिस्प्ले किए जाते हैं और सेलर होता है और वेरियस बायर्स यानी बहुत सारे बायर्स होते हैं जो बिड लगाते हैं, बोली लगाते हैं और जिसकी भी बोली हाईएस्ट होगी, मतलब कि ज़्यादा मात्रा में होगी, उसे वो प्रोडक्ट बेचा जाता है. दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑक्शन सेल. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पब्लिक सेल. इसे पब्लिक सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो चीज़ें होती है वो पब्लिकली डिस्प्ले की जाती है और जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो पब्लिकली होता है. या तो ये कोई बंद कमरे में होता है या ओपन प्रीमाइसेस में होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम चीज़ें या इमोबल प्रॉपर्टीज ऑल्सो ऑक्शन सेल के थ्रू बेची जा सकती है. In an auction sale, the final sale is usually the result of competition between the bidder, though a single bidder can still purchase if no other bids are received. Before auction come into existence, bargaining was the common practice. Means what? Means if we want to purchase anything, we use bargaining skills. Through negotiation, we are concluded over the price. मतलब कि ऑक्शन सेल के पहले कौन सा फॉर्म प्रैक्टिस में था, तो निगोशिएशन करना यानी बार्गेनिंग करना. हमें कोई भी चीज़ अगर पसंद आती है तो हम उस चीज़ को बार्गेनिंग करते हैं इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्राइस. ओके, मतलब कीमत उसकी कम से कम हमें मिले बायर को, इस हिसाब से उसके ऊपर बार्गेनिंग की जाती है. और सेलर के बिहाफ में अगर सोचें तो सेलर किस लिए निगोशिएट करता है या बार्गेनिंग करता है, उसकी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसकी प्राइस वैल्यू मिले, इसलिए उसकी बार्गेनिंग उसके बिहाफ में की जाती है. फिर उसके बाद में नया ट्रेंड आया, दैट इज़ ऑक्शन सेल. ऑक्शन सेल हमने बहुत सारी हिंदी फिल्मों में देखा ही है, जिससे इमोबल प्रॉपर्टी की या कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कोई भी स्केच है, पिक्चर है बना हुआ, तो उसका पब्लिकली ऑक्शन सेल होता है. ये बहुत सारी हिंदी मूवीज़ में दिखाया गया है. इन आवर जनरल लाइफ ऑल्सो वी हैव सीन ऑक्शन. कहाँ पे? तो सब्जी मंडियाँ, जहाँ पे जो खेती बाड़ी करने वाले हैं उनके प्रोडक्ट, जो भी फ्रूट्स हो या सब्जी हो, वो उस मंडी में आती है. वहाँ पर जो मिडलमैन है, जो किसानों से सब्जियाँ खरीद करके जो ग्राहक है उन तक पहुंचाते हैं, वो वहाँ पे होलसेल में सब्जी खरीद लेते हैं, राइट? तो वो होता है एक फॉर्म ऑफ ऑक्शन सेल, जहाँ पे पब्लिकली सब्जियाँ बेची या खरीदी जाती है. वो हमने जनरल लाइफ में देखी हुई है. तो चलो पहले देखते हैं इनमें पार्टीज कौन होती है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है. फिर उसका स्टैचूटरी बेस जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में दिखाया गया है वो क्या है. Just like an ordinary sale, an auction sale has also a seller and a buyer. A difference is that an auction where there will be several prospective buyers called bidders. Among various bidders, the one
हु ऑफर द हाइएस्ट प्राइज और बिड विल नॉर्मली बी सक्सेसफुल परचेसर. इनिशियली द सेलर ऑफ्टन प्लेसेस अ मिनिमम प्राइज फॉर हिज और हर प्रॉपर्टी. द बिडर कम्पीट अमंग देमसेल्व्स बाय ऑफरिंग कॉम्पिटिटिव प्राइज एंड द हाइएस्ट बिड विल नॉर्मली बी एक्सेप्टेड बाय द सेलर. The goods are ultimately sold to the highest bidder, and the auctioneer who sell the goods by auction is an agent of the seller as well as agent of the buyer. So we will discuss it in detail. पहले ये जो चीज़ें हमने कही है उसे समझते हैं. जैसे कि नॉर्मल सेल होता है वैसे ही ऑक्शन सेल भी होता है. जैसे कि नॉर्मल सेल में सेलर और बायर दो व्यक्तियाँ होती है, वैसे ही ऑक्शन सेल में भी सेलर भी होता है और बायर भी होता है. बस फर्क उतना होता है कि यहाँ पे बायर ज़्यादा होते हैं जो बोली लगाते हैं, मतलब उसकी कीमत सजेस्ट करते हैं. यानी किसी ने 1,000 बोला तो कोई 1,500 रुपये बोलेगा, यानी उसकी बिड क्या होती है, हाइएस्ट होती है. ऐसे बोलियाँ लगेगी उनमें और जो भी हाइएस्ट बिड लगाएगा यानी जिसका भी प्राइस अमाउंट ज़्यादा पे करने के लिए रेडी है, उस बायर को ये गुड्स जो भी चीज़ें हैं वो बेची जाती है. ये होता है फॉर्मेट ऑक्शन सेल का. और उसमें सेलर के बिहाफ में या बायर के बिहाफ में जो काम करने वाला इंसान होता है मिडलमैन, उसको कहते हैं ऑक्शनियर. उसका क्या रोल है और क्या ड्यूटीज है वो भी हम डिस्कस करते हैं. Similar to an ordinary sale, in an auction, the sale can be performed either by the seller himself or through an agent engaged by him or her. That person so engaged is called as a auctioneer. The rule for determining the winning bidder may also differ in different occasions. An auction sale is a sale at which a auctioneer, as an agent of the seller, invites person present to bid for goods to be sold. The goods are ultimately sold and delivered to the highest bidder. मतलब कि जैसे normal sale में होता है कि seller अपने goods खुद sold out करता है, वैसे auction sale में भी आए चाहे तो seller अपने goods खुद sell out करेगा या फिर एक एजेंट अपॉइंट करेगा जिसको हम बोलेंगे ऑक्शनियर, और वो क्या करता है, सेलर के बिहाफ में वहाँ पे गुड्स सेल आउट करता है और जो भी हाईएस्ट बीडर होगा उसे वो गुड्स बेचे जाते हैं. वैसे ऑक्शनियर जो होता है वो डबल कैपेसिटी में, ड्यूअल कैपेसिटी में काम करता है. वो क्या है हम देखते हैं. द ऑक्शनियर एक्ट्स इन अ ड्यूअल कैपेसिटी. फर्स्ट ही एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ सेलर टिल द आर्टिकल इज नॉक्ड डाउन टू द बीडर. And next, he acts as an agent of the buyer. He has a lien on the goods to the extent of his charges while they are in his possession. He holds the goods as a bailee. मतलब कि auctioneer जो है उसे दो capacity में काम करना रहता है. Firstly, वो तो सेलर का एजेंट कहा जाता है जिससे वो चीज़ें नॉकडाउन होने तक, मतलब कि हाईएस्ट बीडर को बेची जाने तक ही उसका रोल रहता है. और इन केस ऑफ बायर, वो बायर का भी एजेंट रहता है जो उसके बिहाफ में गुड्स होल्ड करता है एज एन बेली. और सेम टाइम जो ऑक्शनियर है उसको लियन का यानी चीज़ें होल्ड करने का भी अधिकार है जब तक कि उसके जो लॉफुल चार्जेस है वो रिकवर नहीं होते हैं, तब तक वो लियन कर सकता है. लेट्स डिस्कस व्हाट आर इम्प्लाइड वारंटीज इन एन ऑक्शन सेल बाय ऑक्शनियर्स. फर्स्ट, an auctioneer has an authority to sell. Next, he is not aware about any defects in title of principal. Next, he undertakes to hand over the possession of goods to the buyer as soon as the price paid. And next, he undertakes to give quiet possession of the goods. मतलब कि जो auctioneer है उसे पहले तो चीज़ें बेचने के लिए अथॉरिटी दी जाती है बाय द सेलर. दूसरी बात, वो प्रिंसिपल ओनर है या नहीं है, प्रिंसिपल का टाइटल क्लियर है क्या टूवर्ड्स दैट गुड, ये देखना उसका काम नहीं रहता है. जो उसको काम दिया जाता है फ्रॉम द सेलर, मतलब जो भी उसके पास आया है गुड्स बेचने के लिए, उसके बिहाफ में वो चीज़ें बेचने का ही काम करेगा. उसका टाइटल क्लियर है या नहीं है ये देखने की काम ऑक्शनियर का नहीं है. नेक्स्ट, वो अंडरटेक्स करता है टू द बायर
हैंड ओवर करेगा, गुड्स का जो भी पोजेशन है वो बायर को हैंड ओवर करने का अंडरटेक वो कर सकता है अगर प्राइस पे की जाती है तो। दूसरी बात अंडरटेक करता है कि वो क्वाइट पोजेशन देगा, मतलब कोई भी उसके पोजेशन में डिस्टरबेंस नहीं करेगा। ये होती है इम्प्लाइड वारंटीज बाय द ऑक्शनियर्स इन द ऑक्शन सेल। लेट्स टॉक अबाउट द बायर और बिडर। एटलीस्ट टू बिडर्स आर नीडेड टू कंडक्ट एन ऑक्शन, दो बिड्स नीड नॉट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम बोथ। मतलब कि एटलीस्ट दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए बायर के रूप में जो बिड लगाएंगे। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों ने भी बिड लगानी है, अगर एक ने भी बिड लगाई और दूसरा बिड लगाने में इंटरेस्टेड नहीं है तो भी जो एक ने जिसने बिड लगाया है उसको वो चीज़ें बेची जा सकती है। व्हेन द ऑक्शनियर अनाउंसेस प्राइजेस बिडर्स कॉल आउट देयर बिड्स। Bidder can call out bids themselves or by proxy. A bid can also be submitted electronically with the highest or current bids publicly displayed. Acceptance of bid is denoted by a fall of hammer or by any other customary practices, just like counting words like 1, 2, 3, right? We all have seen in the movies. इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट दो बिडर होने चाहिए, जिसने भी बिड लगाई है या दोनों ने भी बिड लगाई होगी तो जो भी हाईएस्ट बिड लगाता है उसको वो चीज़ें बेची जाएगी। और यहाँ पे सेल कैसे स्टार्ट होता है, जब ऑक्शनियर जो है वो प्राइस अनाउंस करता है कि एटलीस्ट इस प्राइस से ज़्यादा जो भी बोली लगाएगा वो चीज़ उसकी होगी। तो ये प्राइस अनाउंस करने के बाद में बिडर जो है वो एक दूजे के साथ कॉम्पिटिशन करते हुए उस चीज़ की बोली लगाएंगे, या तो वो डायरेक्टली बोली लगा सकते हैं या प्रॉक्सी के थ्रू वो बोली लगा सकते हैं, और जिसकी भी बिड हाईएस्ट होगी उसको वो गुड्स दिए जाएंगे, बेचे जाएंगे जब वो प्राइस पे करते हैं तब। जब हाईएस्ट बिड जो है यानी बोली जो है वो एक्सेप्ट की जाती है तो सेल कंप्लीट होता है बाय फॉलिंग ऑफ एन हैमर, मतलब हथौड़ा किसी चीज़ पर ठोकने से, या कस्टमरी प्रैक्टिस जैसे 1, 2, 3 ऐसे काउंट करके वो बिड जो एक्सेप्ट की गई है ऐसा उनको पब्लिकली नोटिफाई किया जाता है। अगेन द एक्सेप्टेंस ऑफ बिड इज डिनोट्स बाय अ फॉल ऑफ हैमर और बाय एनी अदर ऑडियोबल और विजिएबल मीन्स सिग्निफाइंग टू द बिडर दैट द बिडर इज एंटाइटल टू द प्रॉपर्टी ऑन द पेमेंट ऑफ बिड प्राइज। वेन नो पार्टिसिपेंट इज विलिंग टू डू बिड्स फर्दर देन ऑक्शन एंड्स फॉर द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। वंस अ बिड इज एक्सेप्टेड द सेलर हैज़ नो राइट टू एक्सेप्ट द हायर बिड नॉर कैन अ बायर विथड्रॉ द बायर्स बिड। मतलब कि एक बार अगर चीज़ बेची गई है ऑक्शन सेल के थ्रू, यानी जब बिड एक्सेप्ट की जाती है, चाहे तो फॉल ऑफ हैमर होगा या 1, 2, 3 ऐसे काउंट होंगे और सेल जो है वो कंप्लीट किया गया है ऐसे अनाउंसमेंट होगी, इसके बाद में सेलर कोई और भी हाईएस्ट बिड लगा रहा है तो उसे वो चीज़ नहीं बेच सकता, और जो भी बायर है वो अपनी जो बिड लगाई है वो विड्रॉ भी नहीं कर सकता है। मतलब जो एक बार फॉल ऑफ हैमर होने के बाद सेल कंप्लीट होता है तो वो वैलिड एंड फुल एंड फाइनल होता है। अगेन अ सेलर कैन आल्सो सेट अ रिजर्व प्राइस इन एन एडवांस इफ द फाइनल बिड डज नॉट रीच द रिजर्व प्राइस द प्रॉपर्टी रिमेन्स अनसोल्ड। मतलब जो भी विक्रेता है वो एक रिजर्व्ड प्राइस रख सकता है, अगर उसे एक्सपेक्टेशंस है कि उसकी ये चीज़ को पर्टिकुलर अमाउंट मिलना चाहिए। मतलब कि एक पोस्टर है या स्केच है सपोज़, तो उसको 5,000 एटलीस्ट कीमत मिलनी चाहिए, ऐसे अगर रिजर्व्ड प्राइस उसने रखी है और जो भी बिड लगते हैं वो 5,000 तक नहीं पहुँच पाती है, यानी 4,500 तक ही पहुँची उसका हाइएस्ट प्राइस जो भी बिड लगाया बायर्स ने, तो वो गुड्स अनसोल्ड रहेंगे, यानी सेलर वो चीज़ वो हाईएस्ट बायर को बेचने से मना कर सकता है और ये वैलिड होगा पहले, लेकिन उसके लिए रिजर्व्ड प्राइस का प्रावधान पहले ही कर देना चाहिए कि हमने प्राइस रिजर्व रखी है, अगर वहाँ तक जाता है तो भी बेची जाएगी, ऐसा डिक्लेयर करना चाहिए। कॉम्पिटिटिव बिडिंग इज़ एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ एन ऑक्शन सेल। फ्री एंड फेयर कॉम्पिटिशन अमंग्स द बिडर ब्रिंग्स द हाइएस्ट फाइनेंशियल रिटर्न टू द
सेलर एनी एग्रीमेंट दैट रिस्ट्रिक्ट सच कॉम्पिटिशन इज अगेंस्ट द पॉलिसी एंड वॉइड. मतलब कि जो भी बायर्स हैं उनमें एक फेयर कॉम्पिटिशन होना चाहिए. जो भी चीज़ बेची जा रही है उसका फेयरली जो भी प्राइस है वो बायर क्या करेगा, बिड के थ्रू उसको प्राइस रेज करेगा. और अगर फेयर कंपटीशन होगा ये बोली लगाने में तो ही जो सेलर है उसे अच्छा रिटर्न मिल सकता है. एक कहा जाता है कि नॉकआउट अग्रीमेंट, मतलब कि अगर बायर्स एक दूजे के साथ में समझौता करते हैं कि हम अपना जो बोली है वो हाईएस्ट नहीं करेंगे या एक दूजे के साथ में कंपटीशन नहीं करेंगे बोली लगाने के लिए, तो वो कहा जाता है नॉकआउट अग्रीमेंट. और उससे अगर चीज़ बेची जाती है जो भी बेनिफिट होता है वो बायर एक दूजे में बांट लेते हैं तो वो वॉइड है, इलीगल कहा जाता है. आई होप कि इन जनरल ऑक्शन सेल क्या है और क्या प्रोसीजर है वो मैंने आपको समझा दिया और आपको समझ में आ गई होगी ऐसा कंसिडर करते हैं. और आगे जो भी स्टेचुटरी बेस दिया है वो ऑक्शन सेल के लिए जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में डिफाइन किया है, मेंशन किया है, वो प्रोसीजर हम अभी पढ़ते हैं. सेक्शन 64 ऑक्शन सेल. इन द केस ऑफ सेल बाय ऑक्शन, फर्स्ट वेयर गुड्स आर पुट अप फॉर सेल इन लॉट्स, each lot is prima facie deemed to be subject of separate contract of sale where the goods are put up for sale in lots. जैसे कि हमने कहा था, पहले ही अपना example दिया था कि auction sale में जो भी चीज़ें बेची जाने वाली है वो lots में यानी उसका group बना के sort out होते हैं. Just take an example, अगर हम सब्जी मंडी में जाते हैं fruits ले रहे हैं right? तो in case of watermelon साइज़ के हिसाब से उनके अलग अलग लॉट बनेंगे. कौन से वाटरमेलन का 150 रुपीज़ होगा, कौन से वाटरमेलन 90 रुपीज़ में बेचे जाएंगे, वो लॉट के ऊपर डिपेंड रहते हैं. यानी एक वाटरमेलन का प्राइस मैं बता रही हूँ, वैसे लॉट्स में बेचे जाएंगे. इन केस 150 रुपीज़ वाले वाटरमेलन हैं वो 50 वाटरमेलन एक लॉट में रखे हैं तो वो एक सेपरेट सेल का अग्रीमेंट होगा राइट. यानी जो भी लॉट है वो प्राइमा फेसिया डीम्ड टू बी अ सब्जेक्ट ऑफ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, वैसे गुड्स लॉट में बेचे जाएंगे बाय द ऑक्शन सेल. नेक्स्ट सबसेक्शन है द सेल इज कम्प्लीट वेन द ऑक्शनियर अनाउंसेस इट्स कम्प्लीशन बाय द फॉल ऑफ हैमर और इन एनी अदर कस्टमरी मैनर एंड एंटिल सच अनाउंसमेंट इज मेड एनी बिडर में रिट्रैक्ट हिज बिड. मतलब यहाँ ये बताया गया है कि जो भी कम्प्लीशन ऑफ ऑक्शन सेल है उसका प्रोसीजर क्या है, कब ये कंप्लीट हुआ इसे कहा जाएगा. हमने पहले ही इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है. इसमें कहा गया है एज पर सेक्शन कि बाय फॉलिंग ऑफ एन हैमर अदर कस्टमरी मैनर इंक्लूड्स रिंगिंग बेल और काउंटिंग 1, 2, 3, जैसे घंटी बजाना या 1001, 1002 ऐसे बोली लगती है और फाइनल काउंट होने के बाद में वो सेल कंप्लीट हुआ है ऐसा अनाउंसमेंट होता है. और जब तक अनाउंसमेंट नहीं होती है तब तक जो बिडर है वो अपनी बिड रिट्रैक्ट कर सकता है. ये मेंशन करा गया है सबसेक्शन 2 में. नाउ सबसेक्शन 3, अ राइट टू बिड मे बी एक्सप्रेसली रिजर्व्ड एक्सप्रेसली बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर एंड वेयर सच राइट इज एक्सप्रेसली सो रिजर्व्ड बट नॉट अदरवाइज द सेलर और एनी पर्सन ऑन हिज बिहाफ में सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियर हेयरनेफ्टर कंटेंडेड बिड एट एंड एट द ऑक्शन सेल. मीन्स व्हाट, राइट टू बिड यानी बोली लगाने का जो अधिकार है वो क्या होता है, रिजर्व्ड किया जा सकता है एक्सप्रेसली यानी सेलर को या उसके बिहाफ में कोई भी पर्सन को वहाँ बिड लगाने के लिए चांस दिया जा सकता है. वो राइट एक्सप्रेसली रिजर्व्ड होना ज़रूरी है. अगर यह राइट एक्सप्रेसली रिजर्व किया गया नहीं है तो वो इनवैलिड होगा, फ्रॉड कंसिडर किया जाएगा. सो सेलर या उसके बिहाफ में कोई भी पर्सन अगर बिड लगाना चाहता है वो तो राइट रिजर्व कर सकता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियर एंड आफ्टर कंटेंडेड बिड एट द ऑक्शन. मतलब ये सेक्शन में जो भी प्रोविजंस बताए गए हैं वो प्रोविजंस को मद्देनजर रखते हुए ही ये राइट रिजर्व कर सकते हैं ऐसे मेंशन किया गया है सबसेक्शन 3 में. नाउ सबसेक्शन 4, वेयर द सेल इज नॉट नोटिफाइड टू बी सब्जेक्ट टू अ राइट टू बिड ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर, इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर द सेलर टू बिड हिमसेल्फ और टू एम्प्लॉय एनी पर्सन टू बिड एट सच सेल.
और फॉर द ऑक्शनियर नोइंगली टू टेक एनी बिड फ्रॉम द सेलर और एनी सच पर्सन एंड एनी सेल कॉन्ट्रावेइंग दिस रूल मे बी ट्रीटेड एज फ्रॉडुलेंट बाय द बायर। मतलब जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि ये अगर राइट रिजर्व नहीं किया है बोली लगाने का तो ये फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन होगा। अगर सेलर खुद वो ऑक्शन सेल में बोली लगा रहा है या उसने कोई बंदे रखे हैं उसके बिहाफ में बोली लगाने के लिए, या ऑक्शनियर को भी खुद पता है कि ये बोली लगाई जा रही है, तो ये बायर के प्रति फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट सबसेक्शन, द सेल मे बी नोटिफाइड टू बी सब्जेक्ट टू रिजर्व और अपसेट प्राइस। मतलब हमने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा है, ऑलरेडी डिस्कस किया है कि एक रिजर्व्ड प्राइस रख सकता है सेलर का, वो राइट है कि उसको अगर एक्सपेक्टेड प्राइस मिली तो ही वो चीज़ बेची जाएगी, वरना वो बेचने से मना भी कर सकता है। अपसेट प्राइस या रिजर्व्ड प्राइस कहते हैं, उसका भी नोटिफिकेशन पहले ही देना चाहिए। नेक्स्ट, इफ़ द सेलर मेक्स यूज़ ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग और रेज द प्राइस द सेल इज़ वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बायर। प्रिटेंडेड बिडिंग मतलब कि अपनी चीज़ को ज़्यादा कीमत मिलनी चाहिए, इसलिए वो फाल्सली दूसरे बायर वहाँ बिठाएगा और उनको प्राइस रेज करने के लिए कहेगा, राइट? ये प्रिटेंडेड बिडिंग है। तो उससे क्या होता है, जो दूसरे बायर है उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है। अगर वो चीज़ बायर को चाहिए तो वो प्रिटेंडेड बिडिंग के इन्फ्लुएंस में आके उससे ज़्यादा की बोली लगाएगा, इससे सेलर का फ़ायदा होगा, लेकिन बायर के साथ वो इनजस्टिस है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ द बायर। दैट्स इट, इट इज़ मैंशन इन सेक्शन 64, सिक्स सबसेक्शंस आर देयर, द प्रोसीजर इज मैंशन इन दिस सेक्शन। नाउ इसके ऊपर पहले तो क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, ऑक्शन सेल, जो जुडिशरी में भी आता है, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और इसके ऊपर जो LLB एग्जामिनेशन के परस्पेक्टिव से है तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि व्हाट इज़ मीन बाय नॉकआउट अग्रीमेंट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। नेक्स्ट, इन एन ऑक्शन सेल ऑक्शनियर रिप्रेजेंट होम एंड टिल व्हेन, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। और नेक्स्ट, व्हाट इज रिजर्व्ड प्राइस एंड इफेक्ट ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग, ये चारों सवालों के आंसर हमें अपने डिस्कशन में मिले हुए हैं। That's it for today. Thank you for listening. Don't forget to subscribe my channel. Hit on a bell icon and like and share my videos. In next video, we will discuss another provisions of Sale of Goods Act 1930. Till then, stay tuned. Thank you.